हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कबीर दास के कुछ महान विचार बताने वाली हूँ, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। जिस तरह चिड़िया की चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। यदि कोई प्रेम या प्यार की केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविकता रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे? इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो छीना गया है वह गिर जाएगा, और जो आया है वह जाएगा। जहाँ पर आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता, वहाँ आपका रहना बेकार है। जैसे ऐसी जगह धोबी का क्या काम जहाँ पर लोगों के पास पहनने को कपड़े ही न हो। संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है, और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच ही कहा गया है, जो जिसके साथ जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जान कर ही जानता है। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। जो हमारी निंदा करते हैं उसे अपने ज्यादातर पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं। ऐसे लोग खुद अपना तर्क रखने के बजाय सुनी सुनाई बातों को ही रटते रहते हैं। पुरुषार्थ से स्वयं चीजों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी मयान का। दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुखी क्यों हो? जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। कुछ लोग भगवान का ध्यान फल और वरदान की आशा से करते हैं, भक्ति के लिए नहीं। ऐसे लोग भक्त नहीं, व्यापारी हैं, जो अपने निवेश को चौगुना दाम चाहते हैं।
अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दे तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। कभी भी पैर में अपने वाले तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका आंख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गुत्थाखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते हैं। कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान व्यर्थ है। जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसे ही हमारी वाणी हो जाती है। जिस तरह जमे हुए घी को सीधी उंगली से निकालना असंभव है, उसी तरह बिना मेहनत के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए ही व्यतीत कर देता है, वो अपने हीरे के समतुल्य अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गवा देता है। हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखे प्यासे ना जाए। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।